सर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को फेल किया था। वहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस था वो डिपेंड कर रहा था करंट और वोल्टेज पे, बल्कि ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है मेटल की प्रॉपर्टी पे, एरिया पे और उसकी लेंथ पे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे जा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो को सर्च करके भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे जो हमारा रेजिस्टेंस था वो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ वेरी कर रही थी कि जो वीडियो में मैंने दिखाया था वहाँ पे जो हमारा वोल्टेज था वो इंक्रीज़ करने के साथ साथ उसकी जो है बल्ब की वो पावर भी बढ़ रही थी, यानी कि उसकी ब्राइटनेस में चेंज आ रहा था। तो इसकी वजह से उसकी फिजिकल कंडीशन जो है ना वो वेरी कर रही थी। अब किसी भी मेटल की फिजिकल कंडीशन जब वेरी करेंगी तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी वेरी करेगा टाइम के साथ। सो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा था। तो वहाँ पे जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे मेरा रेजिस्टेंस चेंज होता जा रहा था। तो वहाँ पे मेरा जो रेजिस्टेंस था वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो टोटली डिपेंड कर रहा था फिजिकल कंडीशंस पे। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा था वैसे ही मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। सो इसके लिए आज मैं फॉर्मूले से आपको डिक्लेयर करने वाला हूँ किस कारण की वजह से हमारा जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस था वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। सो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था R is equal to rho L upon A। सो ये इस टोटल इस पे डिपेंड करता है, ऐसा गलत है, क्योंकि हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी। वहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें रो एल अपॉन ए प्लस टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर से भी डिपेंड करता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगा। अगर हम इस फॉर्मूले में टेम्परेचर को ऐड कर लें तो फिर हमारा जो है रेजिस्टेंस वो वोल्टेज और करंट पे फिर डिपेंड नहीं करेगा। फिर हमारी फिजिकल कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस वेरी करता जाएगा। सो एक और फॉर्मूला है जिससे किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स कैसे उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसकी वजह से कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ये इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि वाई रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, इसका भी मैं प्रूफ देने वाला हूँ। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सर पहले वीडियो में हमने क्या देखा, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो हमारा डिपेंड कर रहा था करंट पे और वोल्टेज पे, ठीक। और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है रो एल अपॉन ए, यानी कि इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। बट वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी कि जो हमारा बल्ब था वो लगातार वोल्टेज इंक्रीज़ होने के साथ उसकी जो टेम्परेचर था वो भी इंक्रीज़ हो रहा था और उसकी ब्राइटनेस बढ़ रही थी। तो ब्राइटनेस बढ़ने के साथ साथ जो उसका टेम्परेचर था वो बढ़ रहा था, और जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी बॉडी का, किसी मेटल का, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। अब ये बढ़ता कैसे है यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इस रीज़न की वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस था वो डिपेंड कर रहा था करंट और वोल्टेज पे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि जब मान लें हमारा कोई ये मेटल है और यहाँ पर हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अब ये मैंने पॉजिटिव साइड इधर रखी है, ठीक, और निगेटिव इधर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और करंट का जो फ्लो होगा वो इधर होगा, ठीक, करंट का फ्लो इधर होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे जिगजैग मोशन में चलेंगे, ठीक। तो हम जब इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके अंदर अपनी एक वेलोसिटी जनरेट होती है जिसकी वजह से ये मूव करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक। कराने के साथ इनकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, ठीक। अब ये चल इलेक्ट्रॉन्स जा ऊपर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, ठीक। तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं इस वजह से, लेकिन मुझे इनका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है मुझे ये चाहिए कि ये इस तरफ किस रेट से फ्लो हो रहा है। सो उससे मैं पता करूँगा कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फ्लो हो रहे हैं। वेलोसिटी है वो टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रही है। सो इसलिए एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। तो हम वेलोसिटी निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ई बार टाउ अपॉन 2ME। अब मैं एक चीज़ें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। जो ई है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उस मेटल पे अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो रहे हैं, ठीक। टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो टाइम लग रहा है ये वो टाइम है, ये हमारा मास है इलेक्ट्रॉन का। सो इसको मिला के हमारी जो निकलती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अब मुझे निकालनी है करंट।
तो करंट निकालने के लिए, जैसे कि ये मेरी मेटल बॉडी है, ठीक, ये मेटल बॉडी है, तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पास हो रहा है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से जो वी डी डिस्टेंस है, वेलोसिटी, वहाँ से 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है पास होने में। तो यहाँ से यहाँ तक के जो वॉल्यूम है, इन दोनों सरफेस के बीच में जो वॉल्यूम है, उसमें मैं मान लेता हूँ एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर वॉल्यूम, ठीक। अब मैं ये मान ले रहा हूँ कि जो मेरे एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो मैं एरिया इंटू डिस्टेंस से निकाल लेगा। तो पूरे वॉल्यूम की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी एन से हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा एन ए वी डी, ठीक। इतने निकाल लिया कि कितने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक पास हुआ है जिसकी हेल्प से हम करंट को निकाल सकें। एक कूलम पे हमारे पास निकल के आया इतना चार्ज एन ए वी डी, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास नंबर ऑफ एन, तो एक कूलम के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ई से, तो हमारे पास जो फ्री यानी कि जो चार्ज है हमारे पास वो आएगा एन ई ए वी डी, ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अब करंट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है हमने डी क्यू बाई डी टी, ठीक। अब हमने डी क्यू की वैल्यू क्या निकाली है, एन ई ए वी डी, ठीक, और टाइम मैंने 1 सेकेंड का लिया है, यानी 1 सेकेंड का मेरे पास टाइम लिया था, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा टाइम की 1, तो मेरे पास जो करंट की वैल्यू आई वो आई एन ई ए वी डी। अब मुझे निकालना है करंट पर यूनिट एरिया, सो मैं कैसे निकालूंगा, आई बाई ए इजकल टू आई बाई एन ई के पर यूनिट, एंड मेरा निकल के आएगी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन ई वी डी, ठीक। तो इसको मैं एक नया नाम दे देता हूँ जे, जो कि मैंने टाइप्स ऑफ करंट्स एसी करंट्स में पढ़ा रखा है, बता रखा है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो, वीडियो आई बटन में या वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन ई, अब मैं इसकी वी डी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, वी डी की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ, वी डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी ई ई इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ अपॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी। तो अब मैं यहाँ पे इसको अलग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा निकल के आएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन टू एम ई, और ये मेरा आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इसको अलग कर लिया। तो मैं इसको एक अलग नाम दे देता हूँ जिसको मैं बोलूँगा सिग्मा, जैसे कि मैंने आपको कंडक्शन करंट और ओम्स ला के पॉइंट फॉर्म में बताया था, तो इसके लिए मैं इसको एक नया नाम देता हूँ, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मेरा आ गया ओम्स ला, ये मेरा आ गया ओम्स ला इन पॉइंट फॉर्म। अब आते हैं अपने फाइनल स्टेज पे कि किस वजह से हमारा जो है टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए जो मैंने फॉर्मूला निकाला वो निकाला एन ई स्क्वायर टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन टू एम ई, ये मैंने फॉर्मूला निकाला, ठीक। अब एक चीज़ बताइए कि जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाई ए, ठीक, और अभी मैंने फॉर्मूले में इतने पार्ट को मैंने माना था सिग्मा, ठीक, सिग्मा मान लिया मैंने। अब जो सिग्मा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रो के, ठीक। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा था वैसे वैसे मेरे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, तो जैसे ही जैसे मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे वैसे ही मेरा ये इंक्रीज़ हो रहा था, और ये इंक्रीज़ हो रहा था इसकी वजह से मेरा ये घट रहा था, ठीक। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रूल होता है कि जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये वाली घटेगी, वजह से मेरा जो रेजिस्टेंस है वो गिरना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी पर ऐसा नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ, आप देखिए जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा टाउ कम होते जा रहा है। टाउ कैसे कम हो रहा है, अब आप सोचिए ये एक कोई डब्बा है, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी प्रेजेंट नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं बात करूँ तो, ठीक। तो इन दोनों के अब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी इतनी इतनी है, मान लिया एवरेज डिस्टेंस ये है कुछ, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे,
जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, कम हो जाएगी। तो इनके बीच की जब डिस्टेंस कम होगी तो इसका जो रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाउ है वो भी कम हो जाएगा। इस वजह से हमको ये पूरी क्वांटिटी लेके चलनी है कि हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि टाउ और हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ने के साथ साथ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। फाइनल चीज़ जो निकल के आई है वो है हमारा रेजिस्टेंस कोफिशियंट यानी कि डेल आर अपॉन डेल टी, यानी कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वो होता है हमारा रेजिस्टेंस के केस में पॉजिटिव होता है। तो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, ये हमारा पॉजिटिव कोफिशियंट होता है। अब कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी में ये निगेटिव होता है, तो वहाँ पर क्या होता है डेल आर अपॉन डेल टी जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है। तो ये होता है हमारा सेमी कंडक्टर्स में, उनकी वजह से ये होता है। अब इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो वहाँ पे आपको बताऊँगा इसके बारे में कि कैसे बढ़ता है, वहाँ पे एक नई चीज़ बताने वाला। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा हो लाइक करके बताइए, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।